हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ग्लैम डैज़ल। मैं हूं अर्पिता और आज मैं आप लोग के साथ ये ब्यूटीफुल करवा चौथ का मेकअप लुक शेयर करने वाली हूं। करवा चौथ बहुत ही पास है, आई नो, बस दो दिन या कुछ दिन बाकी है। सो मैंने सोचा कि करवा चौथ मेकअप लुक शेयर करते हैं, क्योंकि पिछले साल भी मैंने किया था तो इस साल भी तो बनता है। अगर आप न्यूली वेड हो, अगर न्यूली वेड भी नहीं हो तो भी आप ये लुक इजीली क्रिएट कर सकते हो और ये लुक बहुत ही अच्छा होगा करवा चौथ स्पेशल ओकेशंस के लिए। कोई भी फेस्टिवल में भी आप कैरी कर सकते हो। बहुत ही ब्यूटीफुल लुक है, अगर आप देखना चाहते हो तो कीप ऑन वॉचिंग। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, मेकअप स्टार्ट करने से पहले स्किन को प्रेप करना इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आई एम अ ड्राई स्किन पर्सन, तो सीरम इस मेरे लिए मास्ट है। अगर आप ड्राई स्किन हो तो सीरम बिल्कुल मत स्किप करना। तो मैं यहाँ पे गुड वाइब्स का विटामिन सी और B3 सीरम यूज़ कर रही हूँ। बहुत ही अमेजिंग सीरम है। आफ्टर रोजिव सीरम मैं इसको रखना चाहूँगी बिकॉज ये मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट्स प्रोवाइड करते हैं। सीरम अप्लाई करने के बाद मैं मॉइस्चराइज़र पे जाऊंगी, क्योंकि प्रेप में मैं बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेप करती हूँ, हाइड्रेट करती हूँ, मॉइस्चराइज़ करती हूँ, बिकॉज़ आई एम अ ड्राई स्किन पर्सन। आफ्टर मेकअप मेरा फेस पूरी मैट हो जाएगी तो मुझे वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, कम्फर्टेबल नहीं होती हूँ, जिस वजह से यहाँ पर मैंने लोटस का मॉइस्चराइज़र यूज़ किया है, मेरा फेवरेट वन। उसके बाद प्राइमर, जो मैं नहीं स्किप करना चाहती हूँ, और फेस्टिवल टाइम पर तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि मेकअप मुझे लॉन्ग लास्ट करना है। करवा चौथ काफ़ी टाइम का प्रोग्राम है तो यू नीड टू लॉन्ग लास्ट योर मेकअप, उसके लिए प्राइमर इज़ मास्ट। और पोर्स वगैरह हाइड करने के लिए भी बहुत ही अच्छा वर्क करता है प्राइमर, सो यू नीड टू अप्लाई प्राइमर इन दिस टाइम। आफ्टर ऑल दिस प्रेपिंग सेशन वी हैव टू वेट फॉर 10 मिनट्स, उसके बाद मैं फाउंडेशन पे जा रही हूँ। यहाँ पे मैं मेबलिन का सुपर स्टे फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ, दिस इज़ द शेड 128। जब अप्लाई करूँगी तब ये थोड़ा सा लाइट लग रहा है मेरा स्किन टोन से, बट ये ऑक्सीडाइज होता है, इसलिए मेबलिन का कोई भी मैं फाउंडेशन लेती हूँ तो मैं एक शेड लाइटर लेती हूँ मेरे स्किन टोन से, ताकि ऑक्सीडाइज होने के बाद ये मेरे बिल्कुल स्किन टोन पर आ जाएगी। आफ्टर मेकअप यू कैन नोटिस इट। सो फाउंडेशन को अप्लाई करने के बाद आई हैव टू ब्लेंड इट आउट, तो डैम ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से मैं इसको ब्लेंड कर रही हूँ प्रॉपरली। ये बहुत ही ईजिली ब्लेंड हो जाता है, लेकिन यू नो अप्लाई करने के तुरंत जल्दी जल्दी आपको ब्लेंड करनी पड़ती, नहीं तो नहीं ये सूख जाता है नो स्किन पे। उसके बाद कंसीलर टाइम, तो यहाँ पे मैं स्विस ब्यूटी का कंसीलर यूज़ कर रही हूँ। फेस टिप टाइम के लिए अगर आप कोई कंसीलर चाह रहे हो अफोर्डेबल रेंज पे, तो यू कैन गो विथ स्विस ब्यूटी कंसीलर, बहुत ही अच्छा कंसीलर है और इसका रिव्यू भी बहुत अच्छा है, एंड मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ। मेरी सेकेंड बॉटल है ये, तो आप डेफिनेटली इसके ऊपर इन्वेस्ट कर सकती हो। तो जहाँ जहाँ मुझे कंसीलर लगेगा यू नो मेरी हाई एंड पॉइंट पे मैं अप्लाई कर रही हूँ, उसके बाद मैं इसको ब्लेंड कर रही हूँ, क्योंकि ब्लेंडिंग इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन मेकअप। आफ्टर ब्लेंडिंग ऑल ऑफ दिस आई हैव टू बेक माई स्किन, तो बिकॉज मैं मेरी ड्राई स्किन है और यू नो अभी थोड़ा थोड़ा ना ठंड पड़ रही है, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं बट ठंड पड़ रही है, तो स्किन ड्राई होने की वजह से मैं लूज़ पाउडर को स्किप कर रही हूँ। मैं कॉम्पैक्ट से थोड़ा सा बेक कर रही हूँ, क्योंकि लूज़ पाउडर से और ज़्यादा मैट हो जाएगी स्किन। इफ़ यू हैव ऑयली स्किन प्रॉब्लम देन यू कैन ऑलवेज यूज़ लूज़ पाउडर, बिकॉज वो आपकी स्किन को बहुत ही अच्छे से यू नो मैट रखने में हेल्प करेगी। आफ्टर अप्लाइंग कॉम्पैक्ट, उसके बाद मैं कॉन्ट्रोल कर रही हूँ यहाँ पे। ये मैंने आईटेक्स डेजलर का कॉन्ट्रोल लिया है, मेरा फेवरेट है और मैं हर वीडियो में शेयर करती हूँ, तो आपको पता लग चुका होगा कि कितना अच्छा इसका पिगमेंटेशन है, इसका यू नो एप्लीकेशन है बहुत ही अच्छा है, इसलिए मैं इसको बहुत ज़्यादा रेट देना चाहूँगी। मैं हर वीडियो में यूज़ करती हूँ बिकॉज मुझे बहुत पसंद है। तो यहाँ पर मैं कॉन्ट्रोल कर रही हूँ अपनी दोनों चिक्स पे, क्योंकि यू नो आई नीड कॉन्ट्रोलिंग थोड़ा सा, क्योंकि मैं थोड़ा सा चब्बी हूँ, मेरे ये चिक्स जो है बहुत ज़्यादा चब्बी है, सो इफ़ यू नीड कॉन्ट्रोल तो आप यूज़ कर सकते हो। उसके बाद ब्लश करने के लिए मैंने यहाँ पे क्रीम लिपस्टिक का यूज़ किया है, बिकॉज़ ये बहुत अच्छे से ब्लश करता है मेरी फेस को, और यू नो ड्राई स्किन होने की वजह से हर प्रोडक्ट मैं पाउडर फॉर्म में यूज़ नहीं करना चाहती थी। यहाँ पे ब्लश मैंने क्रीम फॉर्म में यूज़ किया, तो थोड़ा सा यू नो ग्लोई सा यू नो चिक्स लग रहे थे, तो दैट्स वाई। आप भी ये स्टेप कर सकते हो, आप चाहो तो कोई लिप टिंट या चिक टिंट यूज़ कर सकते हो, आप चाहो तो आई शेडो से भी कर सकते हो, वॉट एवर यू वॉन्ट।
एंड यहाँ पे मैं अप्लाई करने के बाद अच्छे से ब्लेंड आउट कर रही हूँ। उसके बाद मैं थोड़ा सा नोज़ कॉन्ट्रिंग कर रही हूँ, ज़्यादा मुझे ज़रूरत नहीं है, बट स्टिल जब कर रहे हैं तो सभी करें। तो थोड़ा सा नोज़ कॉन्ट्रिंग, बस हल्का सा, यू नो, बहुत ज़्यादा हर्श या HD वाला कुछ नहीं चाहिए, एक नेचुरल फिनिशिंग चाहिए है। उसके बाद आईज़ में जा रहे हैं हम। तो आईज़ में क्या करूँगी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन मुझे लगा कि फेस्टिव टाइम है तो थोड़ा सा गॉर्जियस होना चाहिए मेकअप। उस हिसाब से मैंने थोड़ा ब्लैक शेड लिया, उसको अप्लाई कर रही हूँ पहले। उसके बाद मैं थोड़ा सा स्मोक आउट पे जाऊँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा, यू नो, बोल्ड स्मोक आउट नहीं करूँगी, लाइट के ऊपर से जाऊँगी। तो यहाँ पे मैं ब्लेंड कर रही हूँ धीरे धीरे कलर को, मुझे 2 या 3 बार पिक करनी पड़ी तो उसके बाद ही ये रिज़ल्ट मिला मुझे। एंड सर्कुलर मोशन में ब्लेंड करूँगी। तो नाउ यू कैन सी द रिज़ल्ट, मैंने अच्छे से ब्लेंड किया है ब्लैक कलर को। उसके बाद मैंने एक गोल्डन शेड लिया है जो कि थोड़ा सा शिमरी शेड है, उसको मैं लिड पे अप्लाई कर रही हूँ, थोड़ा सा स्प्रेड करके इसको ब्लेंड कर रही हूँ ताकि थोड़ा सा गोल्डिश ब्लैकिश काइंड ऑफ आईज कर दे, ताकि बहुत ज़्यादा बोल्ड लुक भी ना लगे, एट द सेम टाइम गॉर्जियस भी लगे। नाउ द टाइम फॉर आई लाइनर। यहाँ पर मैं एवॉन का सिंपल प्रिटी आई लाइनर यूज़ कर रही हूँ, ये भी मेरा एक फेवरेट आई लाइनर है। तो इसको यहाँ पर मैं बहुत ही पतला विंग करने वाली थी, लेकिन यू नो करते करते ही मोटा हो गया, बट डो वरी, बहुत ही अच्छा लग रहा था, ज़्यादा बुरा नहीं लग रहा था। आप चाहते हो तो इस तरीके से भी इसको छोड़ सकते हो, मस्कारा से इस लुक को कम्प्लीट कर सकते हो। After eyeliner application, I move to the step of eyelashes. यहाँ पर मैंने fake eyelashes लगाए हैं। If you want eyelashes लगाना पसंद करते हो, comfortable हो, then आप लगा सकते हो। इधर आप mascara से भी look को complete कर सकते हो, बहुत ही अच्छा look आएगा। तो यहाँ पर मैं lower lash line को थोड़ा सा black color से fill out कर रही हूँ, ताकि थोड़ा look equal लगे, ज़्यादा drama नहीं लगे। नेक्स्ट हाइलाइटर, यहाँ पे मेबलिन का मास्टर क्रोम हाइलाइटर यूज़ कर रही हूँ। यहाँ पे मैं अपने चिक बोन पे, नोज़ पे, फॉरहेड पे, अपर लिप पे थोड़ा सा थोड़ा करके हाइलाइटर दे रही हूँ, ताकि थोड़ा ग्लो मुझे मिले। मुझे बहुत अच्छा लगता है हाइलाइटर लगाना, यू नो, मेकअप में मेरा सबसे फेवरेट स्टेप यही है। लास्टली मैं ब्राउ फिल कर रही हूँ। मैं बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक ब्राउज नहीं पसंद करती हूँ, नेचुरल फिनिश चाहती हूँ, इसलिए मैं पहले बहुत कम करती हूँ, जिस वजह से मैं अभी कर रही हूँ, मतलब सबसे लास्ट में आईब्रोज को फिल कर रही हूँ। आईज़ बोल्ड है, बट रेड लिप्स इसके साथ जाएगा, बिकॉज मेरी आउटफिट गॉर्जियस है। और द नेक्स्ट थिंग इज़, इसके साथ न्यूट लिप्स भी आप कर सकते हो, और फेस्टिव टाइम पे थोड़ा रेड रेड लिप्स अच्छा लगते हैं ना, गॉर्जियस लगता है। सो मैं इसलिए रेड लिप्स के साथ ही गई। ओके, नाउ इज ज्वेलरी टाइम। सो गाइज, फाइनली माई लुक इज़ कम्प्लीटेड, और करवा चौथ है। मैंने थोड़ा सा, यू नो, बैंगल्स वगैरह बैंगल्स वगैरह डाल दिया, ज्वेलरी डाल दिया गॉर्जियस करके। और नेक्स्टली थोड़ा सा यहाँ पे मैं सिंदूर ऐड कर रही हूँ।
सो आई होप कि आपको ये लुक पसंद आया है, ये वीडियो पसंद आया है. अगर ये वीडियो पसंद आई है, ये लुक अच्छा लगा है, सो डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली. एंड अगर नए हैं देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल. कमेंट में बताना कैसा लगा वीडियो. और या मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी. तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी करवा चौथ टू ऑल ऑफ यू इन एडवांस.